नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचे टू चैट। आपने सुना होगा कि भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया, लेकिन कहां जलाया ये जानते हैं? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के कारो गांव में ये मंदिर है। आपने सुना होगा पुराणों में और टीवी में देखा होगा कि भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया, लेकिन क्यों और कहां जलाया? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे और वो जगह भी दिखाएंगे कि वो स्थान कहाँ है। यह स्थान बलिया जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के कारो गांव में स्थित है। इस गांव का नाम भी भगवान शंकर द्वारा कामदेव को जलाने पर ही इस गांव का नाम भी कारो पड़ा। इस स्थान का वर्णन शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। जब माता सती जल गई अपने पिता द्वारा भगवान शंकर को अपमानित करने पर, तब भगवान शंकर ने तांडव करना शुरू कर दिया। उनको शांति कहीं नहीं मिल पा रही थी, तो यहाँ पहले कामुक बन था वहीं पर तपस्या करने लगे। उन्हीं की तपस्या भंग करने कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से बाण चलाया, जिससे भगवान शंकर की आंख खुल गई और उनका तीसरी आंख भी खुल गई और कामदेव वहीं जल गए। उसका प्रमाण वहां कई हजार वर्ष से खड़ा वो पेड़ है, जो एक तरफ से पूरा सही है तो दूसरी तरफ से एकदम से जला हुआ है। कामेश्वर नाथ मंदिर में हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में तो यहाँ भक्त बहुत ही दूर दूर से कांवड़ में जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए यहाँ आते हैं। जब वहाँ के महंत से हमारे रिपोर्टर ने इस मंदिर के बारे में पूछना चाहा, तो वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि बाबा प्रत्येक दिन के 12 बजे के बाद तक के मौन धारण किए रहते हैं। तब वहाँ उन्होंने अपने एक शिष्य को इशारा किया कि आप ही बोले। तब उनके शिष्य ने हमसे बातचीत की। समाचार टू जेड के लिए बलिया से शंकर जी की रिपोर्ट। हाँ, अपना परिचय दें। मेरा नाम हरिओम है, हरिओम जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा इस मंदिर के बगल में मेरा घर है। हाँ, मैं 2000 लगभग 5 समय बाबा के साथ में हूँ। हाँ, मैं 5 वर्ष था अभी से इसी मंदिर के मेरी पढ़ाई लिखाई हुई मंदिर से हुई है। ये बताइए कि ये कामेश्वर नाथ मंदिर का क्या महत्व है? ये कामेश्वर नाथ मंदिर का महत्व ये है कि यहाँ पे भगवान शिव ने, शंकर भगवान को, भगवान शिव ने कामदेव को यहीं पे भस्म किया था। हाँ, इसका परिणाम कई वेदों में है, जैसे कि यहाँ पे शिव पुराण में इसका वर्णन है और वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 23वां अध्याय में 22वें श्लोक इस आश्रम का है। जो भस्म किए थे ये भगवान शिव ने, जब ये माता सती का वो हो गया था तो भगवान शिव ने तांडव करने लगे, तो कहीं पे मतलब पूरा ब्रह्मांड तांडव किए तो उनको शांति कहीं नहीं मिली। पर ये कारुस बंध के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे शंकर भगवान आके यहाँ पे अपने आप को शांति महसूस किया और यहाँ पे तपस्या कर लिया। उन्हीं की तपस्या भंग करने के लिए वो कामदेव ने, भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने छुप के इस पेड़ के, आम के पेड़ के वृक्ष से छुप के बाण मारा था। और काम तो शिव का ध्यान तो भंग हो गया, लेकिन साथ साथ तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिससे कामदेव भस्म हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अपना परिचय दें। हमारा नाम ओम प्रकाश उपाध्याय। हाँ, नाम कारो। हाँ, ये बाबा मंदिर क्यों जाना जाता है? इस मंदिर का महत्व इसलिए है कि यहाँ कामदेव जी को शंकर जी जलाए हैं। कब? प्राचीन काल में वो शंकर जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे, ये कामुक वन था। हाँ, इस कामुक वन में वो तपस्या कर रहे थे। हाँ, उसी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव जी आए। हाँ, उनको जो है उन्होंने जलाया। हाँ, तब से इस मंदिर का महत्व जो है। ठीक ठीक है, नमस्कार।